हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडियन डिश अप्पम की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है, स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट। इसे आप बहुत आसानी से और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से बिना फेल हुए बना सकते हैं। और चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप दही और ये है उबले हुए चावल। तो चावल मैंने उबले हुए लिए हैं। अगर आपके पास उबले हुए चावल नहीं है तो इसकी जगह आप पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहे को वॉश कर लीजिए और उसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह मुरमुरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ली है 1 कप सूजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार और इसमें मैं डालूंगी सूजी और साथ में डाल दूंगी ये उबले हुए चावल और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी दही और साथ में डाल दूंगी आधा कप पानी, यानी कि जितना दही उतना हमने पानी लिया है। और इसी के साथ डाल दूंगी चीनी आधा चम्मच और आधा चम्मच नमक। तो ये सभी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो यहाँ अब मैं इसे अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बैटर को पीस लिया है पर ये अभी काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें मैं आधा कप पानी और ऐड कर देती हूँ। पहले हमने आधा कप किया था और अब आधा कप और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना बैटर रेडी कर लिया है अप्पम के लिए, तो आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में निकाल के रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो मैं इसे 10 मिनट के रेस्ट पे छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच इनो मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस अब हम हमारे अप्पम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे पहले हम थोड़ा सा रिफाइंड से ग्रीस कर लेंगे और पोंछ देंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और तवा जो है हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और जब हम ये हमारे बैटर को डालेंगे तो स्लो कर देंगे गैस को। तो आपने जितने छोटे बड़े डालने हैं आप डाल सकते हैं और इसे बिल्कुल स्लो गैस पे हम इस तरह से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो है ये बबल्स आ रहे हैं और धीरे धीरे ये पक जाएगा। बिल्कुल गैस को हम स्लो ही रखेंगे और इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसी तरह से हम इसे पकाते चले जाएंगे। ये इसका इंडिकेशन है कि ये हमारा जो बैटर है अच्छे से बना है और ये अच्छे से कुक हो रहा है। जब ये ऊपर का सरफेस जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये अप्पम बन के रेडी है। और ये इसी तरह से बनाया जाता है और बहुत ही अच्छी जाली इसमें फॉर्म हुई है, आप क्लियरली देख रहे होंगे। मैं और क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। और इसे एक ही साइड कुक किया जाता है, दोनों तरफ इसे कुक नहीं किया जाता और इसी तरह से इसे खाया जाता है। और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी टाइप के ये बनते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी जाली फॉर्म हुई है इसमें और ये पीछे से भी अच्छे से कुक हो गई है। तो बस, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज्यादा। और इसे आप एक दूसरा लुक भी दे सकते हैं, ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा ये मिर्च और नमक डाल दीजिए तो बहुत ही अमेजिंग सा लगता है ये। बिना ऑयल का बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट है ये। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा सारा ब्रेकफास्ट बना लिया है और इसे सर्व कर लेते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे साउथ इंडियन के बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी से बहुत ही इजी रेसिपी उपम की, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो आई होप आपको ये आज की रेसिपी जो है बहुत पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।